नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11वीं के अंग्रेजी का आपका जो फाइनल पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी कॉपी की कॉपी आपको बताया जाएगी, पूरा सॉल्यूशन इसमें कर दिया गया है। ठीक है, बस आपको देखने की देर है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन इस कॉपी में आपको बताया जाएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए, पहले में आ जाएगा हमारा स्वेलिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। दूसरे में आएगा रेड जेंट, तीसरे में आएगा एलाइनमेंट इन इम्परफेक्ट, फिर आएगा ड्वार्फ, फिर आएगा ट्रू, फिर आएगा 1 बिलियन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 बिलियन है ना कि मिलियन, बिलियन। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसरों का। ठीक है, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 के और शेष क्वेश्चनों के आंसर देखिए। द मैन ब्लॉकिंग कैला कोलैप्स, ठीक है, तो 7, 8 और 9 के आंसर यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इनका भी आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके रोक कर आसानी से इनके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए आगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 10वें क्वेश्चन का आंसर। सेम टाइम्स द मैन कम्स डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन, दिस इज कॉल्ड ए सोलर एलिप्स। ठीक है, फिर द 11वां था द मून एंड द सन अपियर द सेम साइज इन द स्काई फ्रेम द अर्थ। दोस्तों इसका भी सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है द रिपोर्ट ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट से अबाउट एयर पोल्यूशन दैट एयर पोल्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.1 मिलियन डेथ्स इन इंडिया इन 2015। तो देखिए 1.1 मिलियन डेथ्स वर रिस्पॉन्डेड इन इंडिया इन 2015 में भी बता दी गई कि कितनी डेथ हुई थी और 2000। ठीक है, अब देखिए फिर है हमारा एयर पॉल्यूशन इज द लॉन्गर एक्सपोजर ऑफ एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फिस डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मैनी काउ। तो इस तरीके से आप पूरा लिख लीजिए, द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इज दिल्ली है, सभी लोगों को पता होगा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, हमारी भारत की दिल्ली है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 6 हो जाएगा, द सिटी विच हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का आंसर देख सकते हैं, चाहे तो आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, पहले में जो आपका आर्टिकल आएगा वो आएगा एन आएगा, दूसरे में आएगा एनी, ठीक है, तीसरे में आपका आएगा कुड COULD जिसे हम बोलते हैं कुड, फिर आएगा हैज बीन वर्किंग, फिर आएगा होम बीन रेंड, ठीक है, हैव बीन रेंड आएगा, ठीक है, हैव बीन रेंड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। फिर आएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 के देख लीजिए, पीपल डू नॉट प्ले इन अमेरिका, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या है, डू डजर्ट डायरेक्ट है आई थिंक, तो इसमें आ जाएगा पीपल क्या डू नॉट यानी नहीं खेलते इन अमेरिका के पीपल यानी लोग। फिर देखिए तीसरा है, यहाँ पर देख सकते हैं, अनलेस दिनेश वर्क्स हार्ड द ही विल नॉट गेट ए फर्स्ट पोजिशन। आगे देखिए, मोहन डिड नॉट टेल यू ए स्टोरी, सारे सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। 5 में देखिए, ही रन द बिजीनेस सो, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे लिख दिए गए, दैट ही लीड्स द कंफर्टेबल, ठीक है। अब देखिए, व्हेन आई रिचेड होम आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, जब वो घर गया तो उसने क्या लॉक्ड पाया घर को। क्वेश्चन नंबर 6 का देख सकते हैं, फोटोग्राफ हैप्पी सैटली थाउसम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए, यूनिवर्सिटी द फीड स्पारस और खुशवंत सिंह, तीनों का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसी प्रकार से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, तो 8 का भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेकंड में आएगा, सी जर्नी सीड विल नॉट जेन जर्मिनेट, और यहाँ पर देख सकते हैं माउंटेन वाटर रॉक गार्डन और इन्वायरमेंट, आपको पूरे आंसर यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है,
फिर देख सकते हैं आंसर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, पूरा आंसर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। 90 के बाद आपका 90 का बी आएगा तो इसका भी पूरा लिख दिया गया है तो इसका भी नोट कर लीजिए। फिर आता है आपका दसवां, दसवां भी लिख दिया गया इसका भी नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चनों के स्क्रीन शॉट ले लेकर लिख लीजिए आंसर, ठीक है। फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के आंसर यहाँ पर लिख दिए गए, बस आपको क्या है स्क्रीन शॉट करके सारे लिख लेने हैं, ऐप पर PDF डाउनलोड भी, या PDF डाउनलोड कर लीजिए फिर उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। PDF डाउनलोड करने के बाद इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए। देखिए गवर्नमेंट आपको क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गवर्नमेंट सागर वैली स्कूल इंदौर, तो नोटिस लिखना था टीडी प्लांटेशन पर, तो देखिए हमने यहाँ पर नोटिस लिख दिया, काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है, ऑल द स्टूडेंट इज इन्फॉर्मिंग डेट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द टीडी प्लांटेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है टीडी प्लांटेशन का नोटिस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही लोग। फिर आता है आपको आंसर ऑफ द क्वेश्चन 13 ब्लड डोनेशन कैंप लिखना है आपको, तो वी ए ट्रू ह्यूमन बीइंग, वी ए डो क्या डोनेट सिटीजन, तो इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आपको पोस्टर लिखना है, तो डोनेट ब्लड यू कैन सेव ए लाइफ डू डोनेट, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना, डेट लिख देनी है, फिर इस तरीके से आपको कर देना आंसर। फिर देखिए जो आपका देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आपको लेटर लिखना था, एप्लीकेशन यहाँ पर लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा फुल, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉप है प्रोटेस्टिंग फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, तो इसका जो नवन था यहाँ पर लिख दिया गया, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फुल सॉल्यूशन इसमें दे दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये आपका निबंध था इंपॉर्टेंट ऑफ क्लीननेस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो कि आपको नोट समरी लिखनी थी तो हमने लिख दिया है। तो ये था आपका फुल सॉल्यूशन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।